संस्कृत शिक्षा, वैदिक विद्यालयों के संरक्षण और गोवंश संरक्षण सीकर के व्यवस्था धाम के पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज का आज अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, आज बैकुंठ रथ यात्रा निकालकर रेवासा मंदिर के पास ही स्थित बावड़ी प्रांगण में अग्नि संस्कार के रूप में अंतिम संस्कार किया गया। रेवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी, तो वहीं बड़ी संख्या में प्रदेश के मंत्री, जनप्रतिनिधि, साधु संत, अनुयायी और ग्रामीणों का रेवासा के जानकीनाथ मंदिर में पहुंचकर उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रेवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी के निधन के बाद आज सुबह विधि विधान से अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। संत स्नान के बाद में रेवासा गांव में बैकुंठ रथ यात्रा निकाली गई और रथ यात्रा के दौरान प्रदेश के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, दातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र चौधरी, सीकर नगर परिषद सभापति जीवन खां, जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल सिखवाल, श्री कुमार खलोटिया, इसके अलावा आपको बता दें लोहारगल महंत अवधेश आचार्य महाराज, अर्जुन दास जी महाराज और चंद्रमा दास जी महाराज के साथ ही बड़ी संख्या में साधु संत, जनप्रतिनिधि, अनुयायी और ग्रामीण शामिल हुए। वहीं बैकुंठ यात्रा के बाद रेवासा मंदिर के पास स्थित बावड़ी प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि संस्कार के रूप में अंतिम संस्कार किया गया। पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी महंत राजेंद्र दास देवाचार्य मलुका पीठाधीश्वर बंसीवट वृंदाधाम ने मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। संस्कृति और संस्कृत और गौ माता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किए ऐसे तपस्वी संत परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज को आज हजारों हजारों वैष्णव और संपूर्ण संत समाज आज उनको नमन कर रहा है और उनके किए हुए कार्यों का अनुसरण करते हुए उसी पथ पर चलने का प्रयास करेंगे और ये माने कि वो शरीर रूप से जरूर पधारेंगे लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान और मार्गदर्शन और उनका सत्संग और भक्ति का मंत्र वो सदैव हम सबके बीच व्याप्त समाज और देश के बीच में से भी और हम जैसे राजनेताओं का मार्गदर्शन करने वाली एक शख्सियत हमारे बीच में से चली गई। ये संवेदना की और दुख की घड़ी है लेकिन दैहिक रूप से तो महाराज हमारे बीच में नहीं है पर मुझे लगता है कि आत्मिक रूप से उनकी शिक्षाएँ, उनकी प्रेरणाएँ हमेशा हमारे बीच में जीवंत रहेंगी। उनकी एक छवि और उनकी प्रतिमूर्ति मुझे लगता है कि शेखावाटी के असंख्य लोगों का मार्गदर्शन हमेशा करती रहेंगी। परम पूज्य अगर पीठाधीश्वर वेदांती श्री राघवाचार्य जी महाराज का कल अचानक देहावसान हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहरी संवेदना प्रकट करते हुए क्योंकि वो प्रदेश से बाहर हैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भेजा है और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो महाराज श्री को अपने चरणों में स्थान दें।